हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक करिश्माई विद्रोही और आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन जंगल और ज़मीन की लड़ाई तो सदियों पुरानी है। इस लड़ाई में सैकड़ों नायक आए और चले गए, लेकिन यह लड़ाई आज भी बदस्तूर जारी है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे ही करिश्माई और विद्रोही नेता के बारे में बताएंगे जिसके एक बुलावे पर सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए और जिन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया। हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में, जो कि एक आदिवासी नेता और लोकनायक थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। यह जननायक मुंडा जाति से संबंधित थे। आपको बता दें कि वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूम के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब भगवान बिरसा कहकर याद करते हैं। बिरसा मुंडा ने यह सम्मान आदिवासियों को अंग्रेज़ों के दमन के खिलाफ अर्जित किया था। 19वीं सदी में बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक अहम जननायक के रूप में उभरे। वहीं जब राष्ट्रवादियों ने भारत की आज़ादी के बाद भारत की विविधताओं को जोड़ने का मुश्किल काम शुरू किया तो इसमें कुछ बाहर ही छूट गए। वहीं उन बाहर छूट गए लोगों में ज़्यादातर लोग वहां के रहने वाले थे, यानी कि वहां के मूल निवासी थे, जिन्हें अब आदिवासी कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा अपनी ज़मीन की लड़ाई की विरासत सदियों पुरानी है, लेकिन अब व्यक्तिगत संघर्ष के किस्से इतिहास के किताबों से गायब हो चुके हैं। लेकिन 19वीं सदी के विद्रोही नायक बिरसा मुंडा का जीवन एक अपवाद है, जिनके नेतृत्व में मुंडा आदिवासियों ने मुंडाओं के महान आंदोलन उलगुलान को अंजाम दिया था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। उनके मुंडा जाति बिरहद कुल परिवार का एक हिस्सा थी। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी हटू था। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा के जन्म के बाद उनका परिवार रोजगार की तलाश में उलिहातू से कुरुम्बदा आकर बस गया था, जहां वे खेतों में अपना काम करके जीवन यापन करते थे, जिसके बाद फिर काम के तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया, इसलिए उनका बचपन यहां से वहां पलायन करते हुए बीता। वैसे तो बिरसा मुंडा का परिवार अक्सर घूमता ही रहता था, इनके रहने का कोई एक निश्चित ठिकाना नहीं था, लेकिन बिरसा मुंडा का ज़्यादातर बचपन चलकड़ में बीता था। बाँस की झोपड़ी में पले बड़े बिरसा बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रेत के ढेर में खेलते रहते थे, और थोड़ा बड़ा होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। अपने शुरुआती दौर में बिरसा मुंडा की ख्याति पहले एक ओझा के रूप में फैली और फिर अंग्रेजों और ईसाई धर्मगुरुओं से अपने लोगों की रक्षा करने वाले एक नायक के रूप में उभरी। बिरसा मुंडा के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से उन्हें उनके मामा के गाँव अयुभातू भेज दिया गया। अयुभातू गाँव में बिरसा 2 साल तक रहे और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सकला से ग्रहण की। बिरसा पढ़ाई में बचपन से ही बहुत होशियार थे, इसलिए उन्होंने स्कूल चलाने वाले गुरु जपाल नाग से ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके बाद उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने के लिए कहा गया। लेकिन उस समय क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, इसलिए बिरसा ने अपना धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया था। हालांकि कुछ वर्षों बाद बिरसा ने क्रिश्चियन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उस स्कूल में आदिवासी संस्कृति का मजाक बनाया जाता था, जो कि बिरसा मुंडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके बाद वे अपने गांव लौट आए और अपने एक दोस्त के साथ रहने लगे, और यहीं उन्हें एक वैष्णव संत की संगत मिली और वे एक ओझा के रूप में मशहूर होने लगे, और यहीं से उनके जीवन में बदलाव आया, जिसके बाद महानायक बिरसा मुंडा का संपर्क स्वामी आनंद पांडे से हो गया। आपको बता दें कि आनंद पांडे ने ही बिरसा मुंडा को हिंदू धर्म और महाभारत के पात्रों का परिचय कराया था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी कंपनी ने भारत के 2/3 हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी, और यह सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी था। 19वीं सदी के बाद उन्होंने भारत के रिहायशी हुकूमत वाले हिस्से को भी जीत लिया। वहीं बिरसा मुंडा के इलाके छोटा नागपुर में नियंत्रण के लिए भी वन्य कानून समेत कई अन्य कानून भी लागू कर दिए गए, और देखते ही देखते आदिवासियों से उनके अधिकार छीने जाने लगे थे। वे न तो अपनी भेड़ बकरियों को चारा खिला सकते थे और न ही वे जंगलों से लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे, जिससे उन लोगों को अपने जीवन यापन करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं इस दौरान अंग्रेजों ने जंगलों की बाहरी सीमाओं पर बाहरी लोगों की बस्तियां बसाना शुरू कर दिया था। वहीं मुंडा जिस जमीन को अपनी साझा संपत्ति समझते थे, अंग्रेजों ने उनका मालिकाना हक भी उन बाहरी लोगों को दे दिया। अपने जवानी के दिनों में बिरसा मुंडा इन अंग्रेजी मिशनरियों और बाहरी लोगों के खिलाफ होने वाले आंदोलन का हिस्सा बन चुके थे।
1895 में बिरसा मुंडा ने घोषणा की कि हम ब्रिटिश शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा करते हैं और कभी अंग्रेजी नियमों का पालन नहीं करेंगे। वो गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर सदियों से हमारा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि वापस अपने देश लौट जाओ, वरना लाशों के ढेर लगा दिए जाएंगे। इसके बाद उस पहाड़ी पर देखते ही देखते हजारों लोग इकट्ठा हो गए, जहां अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन हजारीबाग केंद्रीय जेल में 2 साल की सजा ने बिरसा मुंडा की ख्याति को और अधिक बढ़ा दिया। 1898 में अपनी रिहाई के बाद बिरसा मुंडा ने ब्रिटेन की महारानी का पुतला फूंकने का आदेश दिया और इसके बाद अगले साल 1899 में उन्होंने और उनके चाहने वाले लोगों ने वही किया और जिससे अंग्रेजों की नाक में दम हो गई। बिरसा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तीर, धनुष, कुल्हाड़ी और गुलेल से लैस मुंडाओं ने अंग्रेजों और उनके दलालों के खिलाफ धावा बोल दिया, उनकी संपत्ति को जला दिया और कई पुलिस वालों को मार दिया। इस लड़ाई में पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इस इलाके से बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुईं। वहीं उलगुलान के नाम से मशहूर ये बगावत ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बुरी तरह कुचल डाला और 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को भी चक्रधरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके एक साल बाद जेल की काली कोठरी में हैजे से उनकी मौत हो गई। हालांकि उनकी मौत के बाद सरकार ने रांची एयरपोर्ट और जेल का नाम भी उनके नाम पर रख दिया था। उनकी एक तस्वीर भारतीय संसद में भी लगाई गई है। वहीं आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है और उनके बलिदान को याद किया जाता है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है, खासतौर पर कर्नाटक के कोडगु जिले में मनाई जाती है। कोकार रांची में, जो झारखंड की राजधानी है, यहाँ पर उनकी समाधि स्थल पर बहुत से कार्यक्रम मनाए जाते हैं। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। उनके नाम से कई संस्था, कई यूनिवर्सिटी और कई इंस्टीट्यूशन भी बने हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना बिरसा मुंडा, एक करिश्माई विद्रोही और आदिवासी जननायक के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।